हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर पूछे जाने की संभावना बनती है। तो फ्रेंड्स, खनिज समझने से पहले आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं, इसके पहले हमने यूनिट 1 डिस्कस कर लिए हैं। तो आप हमारे चैनल में जाके सारे लेक्चर देख सकते हैं और इनसे आने वाले सवालों को हल कर सकते हैं। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज आइए बातें करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं खनिज संपदा या खनिज संसाधन। तो सबसे पहले तो जानना जरूरी, खनिज है क्या? तो ऐसे भौतिक पदार्थ जो खदान से या खान से खोद कर निकाले जाते हैं, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं वही सब खनिज कहलाते हैं। वही सब क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और खनिज की अगर दूसरी डेफिनेशन की परिभाषा की बात की जाए तो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। जिसकी एक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध एक समरूप पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। अब बात करेंगे हम पीडीएफ से। खनिज विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक में अनेक रूप में पाए जाते हैं। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। दो आधार पर, एक तो उनको भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे धात्विक खनिज होते हैं एक, और एक अधात्विक खनिज होते हैं, अथवा लौह एवं अलौह खनिज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज क्या होते हैं। तो धात्विक खनिज आप जानते हैं फ्रेंड, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं, बहुत आसान है समझना, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि धात्विक खनिज होते क्या है। तो धात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातु प्राप्त होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और अधात्विक आ शब्द लगा हुआ है यानी विपरीत होगा, जिन खनिजों से अधातु प्राप्त होती है उन्हें अधातु खनिज कहते हैं। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है समझने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि अब क्या है लौह एवं अलौह खनिज। तो लौह और अलौह खनिज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लौह खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है, तो लौह खनिज जो है इसमें लोहे की मात्रा होती है, और अलौह खनिज इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। तो समझ में आ गया, बहुत आसान है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। धात्विक, अधात्विक, लौह एवं अलौह खनिज, इनके एग्जाम्पल भी आपको देख के रखना है, कभी क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे हम अगले फैक्ट की। किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज संसाधन की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से, याद रखना है। मध्य प्रदेश में 8 प्रमुख खनिज संपदा राज्य में से एक है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। जो मेन खनिज है ऐसा गिना जाए तो 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। जैसे हीरा हो गया, तांबा और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन आ सकता है, हीरे के उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, तांबे में भी है, और मैंगनीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान है, तथा चूना पत्थर एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो याद रखना है, द्वितीय स्थान किस किस में है? चूना एवं रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अब बात करेंगे आगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे और डिस्कस करते हैं। खनिज से संबंधित कुछ संस्थान दिए हुए हैं जिनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बात करते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है जिसकी स्थापना 1851 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो समझ में आया, इसका कार्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अध्ययन करना है।
ये इस तरह के दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है, दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है पूछी जाएगी 1851, और इसका मुख्यालय पूछा जाता है फ्रेंड्स तो ये नई दिल्ली में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसे इंग्लिश में कहेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, भारत का एक बहुअनुशासित सरकारी संगठन है ये। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है, नागपुर में 1948 में हुई थी स्थापना। ब्यूरो खान विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खान विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों का निकालना या अन्य खानों से संरक्षण, खनिज संबंधित वैज्ञानिक विकास करना है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय पूछा जाता है नागपुर में, भारतीय खान ब्यूरो यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। बात करेंगे राष्ट्रीय खान विकास निगम लिमिटेड, तो राष्ट्रीय खान यानी खनिज, राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड इंपॉर्टेंट है, एक सरकारी है ये भी, सरकारी, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण में रहता है ये। और तो ये समझ में आ गया इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में 1958 में हुई थी स्थापना, राष्ट्रीय खान खनिज विकास निगम लिमिटेड। तो पूछा जाएगा तो हैदराबाद टिक करना है, हैदराबाद इंपॉर्टेंट है। अगला है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ये भी नागपुर में। तो देखिए भारतीय खान ब्यूरो भी नागपुर में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये भी नागपुर में है, तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर, राष्ट्रीय खान विकास निगम लिमिटेड हैदराबाद, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। बात करते हैं अब आगे, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज संसाधनों की, कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखिए लिख रखा है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे बताऊंगा कहां से इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज भंडार, तो भंडार भी दिए हुए हैं, इन सबके भंडार मिलते हैं कितने मिलियन टन है, तो वो देख सकते हैं, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से अब एक एक करके हम खनिजों की बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैग्नीज इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज धारवार क्रम की चट्टान में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, मैग्नीज धारवार क्रम की चट्टान में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह एक कठोर धातु है जिसका रंग काला होता है, इसका उपयोग लौह मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग एवं टाइल्स बनाने में किया जाता है। मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित कर इस्पात बनाया जाता है जिसे फेरो मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। तो इससे इस्पात भी बनता है, मैग्नीज के साथ लोहा मिलाते और इस्पात का तैयार होता है, इस्पात बनता है जिसे फेरो मैग्नीज के नाम से जाना जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खदान यानी एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान या खुले मुंह की खदान बालाघाट जिले की भरवेली में स्थित है। भरवेली की खदान मैग्नीज से संबंधित है और एशिया की सबसे बड़ी खदान है, याद रखना है, खुले मुंह की या भूमिगत पूछा जाएगा तो भरवेली की खदान। भरवेली नाम की जगह है बालाघाट में, एक बालाघाट से 5 किलोमीटर दूर, तो वहां पे है, बालाघाट जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान भरवेली की खदान है। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, खुले मुंह की खदान पूछा जाए या भूमिगत खदान पूछा जाए, भरवेली की खदान, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन 1980-90 में कटनी, जबलपुर एवं सिहोरा से प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले खोदना यानी उत्खनन निकालना चालू किए थे 80-90 से प्रारंभ किया गया था, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो मैग्नीज से समझ में आया, तो फ्रेंड्स मैग्नीज से समझ में आया आपको, मैग्नीज से समझ में आ गया, मैग्नीज मध्य देश का 50% मैग्नीज भंडार मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखना है। और धारवाड़ सेल समूह की छिल्पी सीरीज में पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की छिल्पी सीरीज में पाया जाता है।
और यहाँ का जो मैग्नीज है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी को तक निर्यात किया जाता है। भरवेली की खदान इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान है। तो मैग्नीज से इतना ही, जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, क्वेश्चन घुमा के पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट के बारे में आपने सुना होगा। बॉक्साइट जो है, ये बॉक्साइट के भंडार एवं उत्पादन में मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। फ्रेंड्स याद रखना है, उत्पादन बॉक्साइट के भंडारण एवं उत्पादन में मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मध्य प्रदेश में 4% बॉक्साइट होता है। एक तो होता है कटनी में, दूसरा शहडोल और बालाघाट। कटनी, शहडोल, बालाघाट तरफ होता है। अब देखिए यहां से पढ़ते हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट किसका अयस्क, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। यह टर्शियरी काल के लेटेराइट सेलों में पाया जाता है। जो बॉक्साइट है यह टर्शियरी काल के लेटेराइट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कटनी, मैंने बात किया था अभी, पहले नंबर में कटनी है। मध्य प्रदेश के कटनी में 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। सबसे ज्यादा कटनी में निकलता है अपने आप। मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% भंडार है, मैंने बात किया था ना अभी, 4% है। तथा 2.6% उत्पादन व छठवां स्थान है। तो याद रखना है, छठवां स्थान है। कहाँ कहाँ निकलता है बॉक्साइट, कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना, रीवा आदि जिलों में बॉक्साइट का उत्पादन होता है। बॉक्साइट से खत्म, आगे चलते हैं। नहीं, एक दो फैक्टर बचे हैं। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादन जिले में कटनी प्रथम है, शहडोल द्वितीय है और सतना तृतीय स्थान पर है। हिंडाल्को एक कंपनी है, हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के केक रेणुकूट में स्थित है। इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहार दग्गा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से की जाती है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से भी इसकी की जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट खनिज की, कोरडम इंपॉर्टेंट है। कोरडम से क्या क्वेश्चन बनते, देखो कोरडम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यह राज्य के सीधी जिले के पीपरी परकोटा में पाया जाता है। पीपरी परकोटा में पाया जाता है। कोरडम एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। क्वेश्चन आ सकता है, काय का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, याद रखना है। तो फ्रेंड्स कोरडम समझ में आ गया, ये सीधी जिले की पीपरी परकोटा में पाया जाता है, ये नाम आ सकता है। बात करेंगे अब लौह अयस्क की, इंपॉर्टेंट है लौह अयस्क। लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाला, यानी धारवाड़ सेल एवं आग्नेय सेल, दोनों सेलों से प्राप्त होता है, धारवाड़ सेल एवं आग्नेय सेल, लेकिन हम पीडीएफ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। लौह अयस्क में लोहे के अंश की मात्रा के आधार पर इनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। तो इनकी गुणवत्ता का निर्धारण किया गया है और इसे चार भागों में बांटा गया है। तो देखो चारों भागों कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे हेमेटाइट। इसमें लोहे का अंश 60-70% तक रहता है। एक है मैग्नेटाइट, ये 60-72% तक रहता है। उसके बाद है लिमोनाइट, ये 35-50% इसमें लौह अंश है। सीडेराइट 10-48% लौह अंश पाया जाता है। तो ये चार प्रकार के लौह अयस्क हैं। तो याद रखना है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है या सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला कौन सा है। तो मैग्नेटाइट जो है ये उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क होता है और भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। कम से कम 80% से ज्यादा मैग्नेटाइट पाया जाता है। और सबसे कम कौन सा पाया जाता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी लौह अयस्क के बारे में आपको समझ में आया, धारवाड़ क्रम की चट्टान में पाए जाने वाला खनिज है और ये इनके हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट याद रखना है। मैग्नेटाइट उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है, जबकि सीडेराइट निम्न कोटि का अयस्क है। तो उच्च कोटि का याद रखना है और निम्न कोटि का कौन सा है ये याद रखना है। भारत का लगभग 70% अयस्क
लव अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? हेमेटाइट पाया जाता है, तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। बात करेंगे आगे, देश में हेमेटाइट लव अयस्क के कुछ 22,487 मिलियन टन निक्षेप पाए जाते हैं, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा में, जिसका अधिकांश भाग उड़ीसा में 34%, झारखंड में 23%, छत्तीसगढ़ में 22%, कर्नाटक में 11% पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 1.46 हेमेटाइट के निक्षेप पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं, भारत में कुल लव अयस्क के मध्य प्रदेश में 0.99% भंडार पाए जाते हैं, जबकि देश के कुल लव अयस्क के उत्पादन में इसका योगदान 1.33% है। उड़ीसा भारत के कुल लव अयस्क का 50% का उत्पादन करता है, तो उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा, तो उड़ीसा 50% से ज़्यादा तो केवल उड़ीसा उत्पादन करता है। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स लव अयस्क। अब बात करेंगे हम आगे, देखिए बात करेंगे अब चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश में एक लम्हेटा घाट का नाम सुना होगा आपने, लम्हेटा घाट, ये लम्हेटा घाट जबलपुर में है, तो वहाँ पे भी भंडार है इसके, निकलती है चीनी मिट्टी, ग्वालियर में भी निकलती है, छिंदवाड़ा और रीवा, तो ये कुछ जगह है जबलपुर का, लम्हेटा घाट, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और रीवा। बात करेंगे चीनी मिट्टी का निर्माण प्राय ग्रेनाइट के फेल्स पार नामक खनिज के क्षरण से होता है, किससे होता है? ग्रेनाइट के फेलास्पर नामक खनिज के क्षरण से होता है। यह एक अग्निरोधक खनिज है, याद रखना है अग्निरोधक खनिज है, जिसे पोटास और सोडा का अभाव पाया जाता है, जिसमें पोटास और सोडा का अभाव पाया जाता है। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं, चीनी मिट्टी के सीरेमिक, तपसह उद्योग, उर्वरक, वस्त्र, कागज, पेंट, औषधि, सौंदर्य प्रसाधनों, कीटनाशकों तथा सीमेंट आदि उद्योगों में किया जाता है चीनी मिट्टी का प्रयोग। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम स्थान पर है, जबलपुर द्वितीय स्थान पर है। इसका मुख्य अयस्क केओलिन है, जिससे बर्तन बनाने के कारखाने ग्वालियर, तो देखो चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने के कारखाने ग्वालियर में है, झाबुआ में है, जबलपुर में है, रीवा में स्थित है। इसके अतिरिक्त बैतूल, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी के भंडार पाए गए हैं। तो आपको पूछा जाएगा चीनी मिट्टी, तो आप लगा सकते हैं मध्य प्रदेश में निकलता है चीनी मिट्टी, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, रीवा, ये सब जगह के नाम है, जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है। बात करेंगे हम रॉक फॉस्फेट एक खनिज है जो जमीन के अंदर पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके भंडार झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी जिला छतरपुर, झाबुआ, सागर का स्थान है। 2004 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अग्रणी जिले छतरपुर, झाबुआ, तो ये सब है, लेकिन याद रखना है झाबुआ और अलीराजपुर, ये जिला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रॉक फॉस्फेट झाबुआ और अलीराजपुर इंपॉर्टेंट है। मालवा वाले क्षेत्र में झाबुआ और अलीराजपुर में निकलता है रॉक फॉस्फेट नामक खनिज, तो इंपॉर्टेंट है रॉक फॉस्फेट, याद रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेंगे एस्बेस्टॉस का जो सर्वाधिक उपयोग है सीमेंट की चादरें बनाने में किया जाता है, तो इसको पढ़ते हैं, देखिए। एस्बेस्टॉस एक रेशेदार खनिज है जो मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के मिश्रण से निर्मित होता है। यह आग्नेय चट्टानों की सिराओं में तथा डोलोमाइट तथा चूने पत्थरों के साथ पाया जाता है। कराईसा टाइल सफेद और आमोसाइट भूरा इसकी प्रमुख किस्में हैं। तो इसके दो किस्म के बारे में दिया गया है यहाँ पे।
एस्बेस्टॉस एक मजबूत लचीला विद्युत प्रतिरोधक तथा उच्च ताप सह खनिज है, उच्च ताप को सह सकता है, जिसका उपयोग मोटे कागज, कपड़े, अग्नि सह चादर आदि बनाने में किया जाता है। याद रखना है, एस्बेस्टॉस में सीमेंट मिलाकर उसमें खपरेल, टीन व छत टिकर टिकाने के छत टिकाने के तख्ते व चादर आदि का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए एस्बेस्टॉस मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर, होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो झाबुआ, अलीराजपुर, झाबुआ और अलीराजपुर में। इसका प्रयोग अग्निरोधी पदार्थ या अग्निरोधी वस्त्र, जो आग बुझाने जाते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में किया जाता है। सीमेंट की चादर आदि बनाने में भी किया जाता है। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको एस्बेस्टॉस, तो सीमेंट की चादर बनाने में, अग्निरोधी वस्त्र भी बनते हैं उसके, और झाबुआ अलीराजपुर में निकलता है। समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट खनिज की, सीसा। देखिए सीसा, यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्य क्रम की चूना पत्थर सेल में पाया जाता है। सीसा एक अम्ल प्रतिरोधी पदार्थ है, जिसका उपयोग विद्युत केबल, लोहे की चादरों में लेपन, बैटरी तथा युद्ध उपकरण आदि को बनाने में किया जाता है। इसके भंडार क्रमशः राजस्थान में पहला, आंध्र प्रदेश में दूसरा और मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर है सीसा। तो याद रखना है, सीसा अपने आप ऐसे होशंगाबाद जिले में देखने को मिला है, यानी निकलता है सीसा होशंगाबाद जिले में। देखिए और कुछ फैक्ट है, मध्य प्रदेश में दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर के भेड़ाघाट में सीसे का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी याद रखना है, सीसा इधर साइड निकलता है। स्लेट पेंसिल का कारखाना मंदसौर में, जिसका उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। तो भारत में स्लेट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जिसका उत्पादन मंदसौर में होता है। तो स्लेट पेंसिल बनाने का कारखाना मंदसौर में है, याद रखना है। डोलेमाइट, चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40-45% हो जाती है, तो इसे डोलेमाइट कहते हैं। सबसे अधिक उपयोग इस्पात निर्माण व सीमेंट उद्योग में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग रबड़, रासायनिक तथा उर्वरक उद्योगों में भी किया जाता है, याद रखना है। डोलेमाइट के भंडार में मध्य प्रदेश में 27% व देश में प्रथम स्थान पर है। तो डोलेमाइट के भंडार में मध्य प्रदेश में 27%, देश में प्रथम स्थान पर है, एवं उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो भंडारण में मध्य प्रदेश और उत्पादन में आंध्र प्रदेश, याद रखना है। राज्य में झाबुआ जिले में डोलेमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो डोलेमाइट का उत्पादन कहाँ होता है? झाबुआ में। जबकि इसके अन्य उत्पादन जिले अलीराजपुर, इंदौर, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी, जबलपुर आदि हैं। भिलाई और कटनी सीमेंट संयंत्रों में झाबुआ से डोलेमाइट की आपूर्ति की जाती है। तो झाबुआ का डोलेमाइट है वो भिलाई और कटनी में जो सीमेंट बनती है वहाँ भेजा जाता है, परंतु टाइल्स उत्पादन कंपनियों को जबलपुर एवं मंडला के डोलेमाइट खानों से दी जाती है। तो जबलपुर में टाइल्स बनने वाली कंपनियों को जबलपुर और मंडला के डोलेमाइट दिए जाते हैं। अब बात करेंगे गेरू की। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके उत्पादन में सतना का बेहट खदान तथा जबलपुर की जौली, झालवारा और गोगरा आदि द्वितीय स्थान पर है। तो गेरू के उत्पादन में सतना प्रथम स्थान पर और जबलपुर द्वितीय स्थान पर है। जबकि अन्य उत्पादक जिले पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, होशंगाबाद, रीवा एवं शहडोल आदि जिलों में भी गेरू का उत्पादन किया जाता है। बाकी गेरू आपको याद रखना है, गेरू सतना और पन्ना की बेहट खान इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, सतना की बेहट खान और जबलपुर की जैली, सब याद रख सकते हैं। टीन निकलता है सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बैतूल को टीन जिला भी कहते हैं, याद रखना है। टीन के भंडार में हरियाणा, टीन के भंडार में हरियाणा 64%, छत्तीसगढ़ 36%, क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ का लगभग एकाधिकार है,
मध्य प्रदेश में टीन सर्वाधिक बैतूल में होता है। बात करेंगे अब हीरा की। देखिए नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं, हीरा। हीरा मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है। वर्तमान में देश का अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। पन्ना की कुछ खदानें लिख रखी है, तो खदानों के नाम याद रखना है। एक है मांझ गांव की खदान, हिनौता की खदान और उथली की खदान। ये तीनों खदान हीरे से संबंधित है, पन्ना जिले में याद रखना है। एवं छतरपुर की अंगौर की खदान छतरपुर में है। हीरे की प्रमुख खदानों में से एक है, तो याद रखना है ये। आगे देखिए, और इसके अतिरिक्त पन्ना जिले की किलकिला नदी के तट पर स्थित रामखोरिया की खदान भी हीरे संबंधित है, किलकिला नदी के तट पर है पन्ना में। पन्ना जिले में स्थित मांझ गांव खदान देश में हीरे का सबसे बड़ा खदान है। तो देश में हीरे की सबसे बड़ी खदान है मांझ गांव की खदान, ये पन्ना जिले में है। और पन्ना प्रसिद्ध है हीरो के लिए भारत में। हीरो के उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज निगम विकास हीरे का उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जाता है, तो ना याद रखना है। भारत में हीरे के भंडार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 19.18%। आंध्र प्रदेश में है 5.72%, छत्तीसगढ़ में 4.09%, और परंतु भारत में संपूर्ण हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में ही किया जाता है। तो ये समझ में आया हीरे से। अब बात करेंगे टंगस्टन इंपॉर्टेंट है। देखिए टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है। इसका गलनांक बहुत होता है। इसका उपयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने, घर्षण प्रतिरोध और लोहे की मोटी चादरों को काटने में किया जाता है। टंगस्टन उत्पादन में मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला, टंगस्टन जिला कहते हैं होशंगाबाद को। होशंगाबाद का के अमर गांव की खदान टंगस्टन से संबंधित है, याद रखना है। होशंगाबाद की अमर गांव की खदान टंगस्टन से संबंधित है, और ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में काम आता है टंगस्टन। देखिए बात करते हैं ग्रेफाइट की प्राप्ति कायंत्रित तथा नीस चट्टानों से होता है। जो कायंत्रिक चट्टाने होती है, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में इसके भंडार पाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ होता है? बैतूल में, याद रखना है। पूछा जाता है, बैतूल को ग्रेफाइट जिला भी कहते हैं। इसका उपयोग स्नेहक पेंट, बैटरी एवं पेंसिल आदि उद्योगों में किया जाता है। तो ग्रेफाइट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बनना चाहिए। ग्रेफाइट जो होता है पेंसिल की नोक, देखिए पेंसिल उद्योग लिखा हुआ है। जो पेंसिल होती है, पेंसिल में जो बीच में नोक होती है जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल की नोक बनाने में किया जाता है। और ग्रेफाइट विद्युत का चालक भी होता है, बहुत अच्छा। तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का चालक भी है। बात करेंगे अब तांबा की। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है अपने मध्य प्रदेश का। तो देखिए तांबे की प्राप्ति धाड़वाल सेल समूह की सिस्ट एवं फाई लाइट सेलों से होता है। इंपॉर्टेंट है, तांबे की प्राप्ति धारवाड सेल समूह की सिस्ट एवं फाई लाइट सेलों से होता है, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त होता है। बालाघाट में स्थित मलाजखंड की तांबे की खदान है। तो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मलाजखंड में जो खदान है, मलाजखंड की खदान, वो तांबे से संबंधित है, बालाघाट जिले में है, जो एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है। डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान बालाघाट जिले में। यह 170 मीटर लंबी एवं 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है यहाँ पे। भारत के 53.20% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाजखंड की खदान से होता है। मलाजखंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक तांबा निकलता है वहां से, कॉपर निकलता है, इसलिए इसे तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मलाजखंड बालाघाट जिले में आता है, याद रखना है। तांबे से संबंधित खदान है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित है यहाँ पे, 1972 में स्थापित हुआ था बालाघाट के मलाजखंड में, कि इसकी इकाई मलाजखंड की खदान जो तांबे का उत्खनन कर रही है। जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, ये मलाजखंड में स्थापित है, ये तांबे का उत्खनन कर रही है यहाँ पे।
देखिए मध्य प्रदेश में बालाघाट के अतिरिक्त, तो बालाघाट में तो तांबा निकलता ही है मलाजखंड की खदान से, लेकिन उसके अतिरिक्त छिंदवाड़ा की जंगल धेरी, छिंदवाड़ा की एक खदान का नाम है जंगल धेरी, बैतूल की घीसी, बैतूल की एक खदान का नाम है घीसी, और टीकमगढ़ की एक खदान का नाम है गोतेल, गोतेल, झाबुआ सीधी की एक खदान का नाम है चकरिया, चकरिया, और कटनी की एक खदान का नाम है इमलिया, आदि जिलों से भी तांबे के भंडार पाए जाते हैं। तो इन जिलों में भी तांबे के भंडार पाए गए हैं। बाकी बालाघाट जिले की जो मलाजखंड की खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खदान है, याद रखना है। तो तांबे से आपको समझ में आया, मध्य प्रदेश में जो जो खदानें हैं उनके नाम याद रखने का भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट खनिज की, जिसका नाम है अभ्रक। अभ्रक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट खनिज जो है अभ्रक, अभ्रक आग्नेय और कायंत्रित शैलों में पाया जाने वाला खनिज है, जिसका रंग हरा, काला, गुलाबी तथा सफेद होता है। यह विद्युत रोधी होता है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत रोधी का मतलब क्या है? रोधी का मतलब होता है प्रतिबंध या फिर रुकावट। तो विद्युत रोधी यानी विद्युत का कुचालक होता है, तो याद रखना है विद्युत का कुचालक, और जो ताप होती है ताप का भी कुचालक होता है। इसका मतलब जो उष्मा है, ताप को उष्मा कह सकते हैं, उष्मा का कुचालक होता है। पारदर्शी होता है एवं लचीला होता है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण, रबड़, इलेक्ट्रॉनिक तथा पेंट आदि के निर्माण में किया जाता है। और ये देखो क्या लिखा है, विद्युत उपकरण और विद्युत प्रेस। आपने कभी प्रेस लगाया होगा घर में, जो प्रेस होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, उसमें एक क्वाइल लगी होती है बीच में, अंदर साइड में एक क्वाइल लगी होती है, वो क्वाइल अभ्रक की बनी होती है, अभ्रक की बनी होती है। कई बार देखना वो क्वाइल जल जाती है, हम क्वाइल को बदलते हैं, वो क्वाइल जल जाती है, इसलिए हमारा जो प्रेस है वो गर्म नहीं होता। तो वो जो क्वाइल होती है वो अभ्रक की ही बनी रहती है। आपने कई जगह देखा होगा गाँव में या कहीं आपके आइट साइड में मट्टी में हल्के हल्के चमकीली खड़ पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार के अभ्रक ही हैं। कई जगह अभ्रक निकलता है चूने के साथ, छुई निकलती है, छुई में अभ्रक मिला हुआ रहता है। तो अभ्रक आपने आपने आपके इधर कंस्ट्रक्शन में कार्य होता है तो रेत लाते हैं, देखना रेत में हल्के हल्के कण दिखते हैं चमकीलेदार छोटे छोटे, वो सब अभ्रक ही है। तो अभ्रक, तो अभ्रक समझ में आया फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ तथा होशंगाबाद जिले में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए गए हैं। बालाघाट जिला का अभ्रक उत्पादन प्रथम स्थान है, तो बालाघाट जिले में होता है सबसे ज्यादा उत्पादन, तो बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन प्रथम स्थान है, तो ये याद रखना है। अभ्रक से इतना ही, अब बात करेंगे कैल्साइट। कैल्साइट देखिए, कैल्साइट के बारे में, कैल्साइट के निक्षेप मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पाए जाते हैं। इसके अन्य क्षेत्र झाबुआ और खरगोन आदि जिले हैं, तो याद रखना बड़वानी जिले में पाए जाते हैं। बात करेंगे अब चूना पत्थर की, एक इंपॉर्टेंट खनिज है मध्य प्रदेश का चूना पत्थर। चूना पत्थर औषधि सेलों में पाया जाता है, औषधि सेलों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका उपयोग सीमेंट, लौह इस्पात, उर्वरक, चीनी कागज, रसायन आदि उद्योगों में किया जाता है। चूना पत्थर का उपयोग, चूना निकलता है पत्थर के रूप में निकलता है, उसे चूना पत्थर कहते हैं। चूना उत्पादन में मध्य प्रदेश में क्रमशः सतना, कटनी, दमोह, रीवा जिले प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर है सतना, द्वितीय स्थान पर कटनी, दमोह, रीवा, ये सब हैं। इसके अतिरिक्त धार में भी निकलता है चूना, जबलपुर में और सीधी जिलों में भी चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। मंडला जिले में भी निकलता है फ्रेंड्स, याद रखना मंडला जिले में भी चूना पत्थर निकलता है। मंडला का चूना खाया होगा आपने, तो मंडला का चूना, कटनी का चूना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश में कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। क्यों? कटनी में भी निकलता है चूना, तो वहां पे उसको नगरी घोषित कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में कटनी जिला को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चूना समझ में आ गया, औषधि सैलों में पाया जाता है, चट्टानों में निकलता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, सीमेंट बनती है इससे ज्यादातर, इसीलिए तो सीमेंट फैक्ट्रियां उधर ही साइड ज्यादा लगी हुई है, सतना में, कटनी में। नेक्स्ट खनिज की बात करते हैं संगमरमर। संगमरमर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्बल। मार्बल कहते हैं संगमरमर को इंग्लिश में। तो मार्बल के बारे में आप जानते होंगे, संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश में द्वितीय स्थान है, मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो समझ में आया फ्रेंड्स, राजस्थान का प्रथम स्थान है और मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है, याद रखना है।
संगमरमर जो मार्बल होता है, मार्बल भी कई प्रकार के होते हैं, सफेद संगमरमर, हरा संगमरमर, धब्बेदार संगमरमर, ऐसे अलग अलग टाइप के मार्बल निकलते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात करते हैं इसमें राज्य में भेड़ाघाट। देखिए मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट जो है, भेड़ाघाट में सफेद संगमरमर पाया जाता है, और जबलपुर जो है, जबलपुर जिला जो है अपने मध्य प्रदेश का, जबलपुर को संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है, संगमरमर नगरी। जो भेड़ाघाट है वहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं संगमरमर की, तो संगमरमर नगरी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है सब। उसके बाद देखिए ग्वालियर में धब्बेदार संगमरमर निकलता है, ग्वालियर में धब्बेदार, याद रखना है। उसके बाद देखिए सिवनी में हरा संगमरमर, और बैतूल और छिंदवाड़ा में भी संगमरमर रंगीन निकलता है। सिवनी में हरा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिले में भी रंगीन संगमरमर निकलता है। संगमरमर जो है आर्कियन युग की शैलों में पाया जाता है, आर्कियन युग की शैलों में पाया जाता है। इसके अन्य उत्पादक जिले कटनी हो गया, सीधी, झाबुआ, हरदा, ये सब में है। और मार्बल एग्जाम्पल है कायंत्रित चट्टानों का, यानी मेटामॉर्फिक रॉक, चूना ही तो आगे जाके जम के ताप और दाब सह के मार्बल में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखना है। अब बात करते हैं हम कोयला की, कोयला इंपॉर्टेंट है, इसे काला सोना भी कहते हैं। जो कोयला होता है, फ्रेंड्स, वो ठोस ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे काला सोना भी कहते हैं। कोयला, कोयला जो होता है, कोयला से निर्मित ठोस संश्लेषित चट्टान, या कोयला से निर्मित ठोस संश्लेषित चट्टान होती है। कोयला एक प्रकार का ठोस संश्लेषित चट्टान होता है। देखिए अब यहां से कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जमीन के अंदर से निकलते हैं, तो जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन है एक प्रकार का कोयला ईंधन के रूप। देखिए अब बात करेंगे कोयला, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यानी क्या? कोयला ईंधन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। कोयला ईंधन का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। इसकी रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। इसमें इसकी रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से कार्बन हाइड्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। और कोयला जो होता है एक ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है। कोयला क्या है? ठोस कार्बनिक पदार्थ, हाइड्रोकार्बन से निर्मित ठोस संश्लेषित चट्टान है एक प्रकार की, तो याद रखना है। कोयले का निर्माण मध्य कार्बन फेरस काल में भूगर्भिक हलचल के कारण सघन वनों के मलबे में दब जाने तथा उसके औषधीकरण के पश्चात हुआ है। तो कोयले का निर्माण कैसे हुआ है फ्रेंड्स? देखो करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी का निकलना, आकाश से बिजली का गिरना आदि घटनाओं के कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे जमीन के अंदर दब गए। दबने के बाद ताप और दाब सहने के पश्चात वो कोयले में परिवर्तित हो गए। इससे कोयले का निर्माण हुआ, इस प्रक्रिया के द्वारा ही कोयले का निर्माण हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कोयले की गुणवत्ता पर ताप और दाब का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे बात करते हैं, भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना काल की चट्टान एवं शेष टर्सियरी काल की शैलों में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि भारत में कोयले का भंडार मुख्य रूप से दो शैलों में पाया जाता है, दो चट्टानों में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना शैल समूह की चट्टान, दूसरा टर्स युगीन शैल समूह की चट्टान। तो ये समझ में आया आपको? दो चट्टान कौन सी? गोंडवाना शैल समूह की चट्टान, गोंडवाना काल की चट्टाने एवं टर्सियरी काल की शैलों में पाया जाता है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2008 तक भारत में 319 बिलियन टन कोयले के भंडार हैं, जिसमें से 45 बिलियन टन लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो लिग्नाइट कोयले के भंडार पाए जाते हैं, इससे क्या समझ में आया आपको कि भारत में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। देखिए दो प्रकार के, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है बिटुमिनस, बिटुमिनस नाम का कोयला पाया जाता है भारत में, और लिग्नाइट कोयले भी कोयले के भंडार पाए गए हैं। आगे बात करते हैं, कोयले को सामान्यतः कोकिंग और गैर कोकिंग कोयले में विभाजित किया गया है। कोकिंग कोयले का उपयोग धातु
कर्मीय उद्योग में किया जाता है, जबकि गैर कोकिंग कोयले का उपयोग अन्य उद्योग में किया जाता है। इसे स्टीम या गैस कोयला भी कहा जाता है। किसे किसे कहा जाता है? जबकि गैर कोकिंग कोयले को स्टीम या गैस कोयले भी कहा जाता है। बात करेंगे आगे, कोयले की गुणवत्ता के निर्धारण करने निहित कार्बन की मात्रा के आधार पर किया गया है। तो कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उनकी कार्बन की मात्रा के अनुसार किया गया है। जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा है वो अच्छा कोयला है, जिसमें कम है वो थोड़ा ठीक कोयला है। तो देखिए कौन से कोयले के प्रकार दिए हैं। कोयला चार प्रकार का होता है, कार्बन की मात्रा का प्रतिशत लिख रखा है इधर साइड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है ये सर्वोच्चम यानी सबसे अच्छा कोटि का कोयला होता है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन आता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80-90%। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अच्छी होती है, यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। बात करेंगे बिटुमिनस कोयले में 55-80% कोयले की मात्रा होती है, सॉरी कार्बन की मात्रा होती है। और भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन आएगा भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। इसे इसका उपयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग या उपयोग सर्वाधिक वाणिज्य क्षेत्रों में, जितने भी वाणिज्य उद्योग वाले क्षेत्र हैं उसमें किया जाता है बिटुमिनस कोयले का उपयोग। अब बात करेंगे लिंगनाइट कोयला। लिंगनाइट कोयले में 40-55% कोयले की मात्रा होती है और इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। दिखने में थोड़ा सा भूरा रहता है ये, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है पिट कोयला। पिट कोयला इसमें 40 से कम कार्बन की मात्रा होती है। यह जलने के दौरान धुआं एवं राख अधिक उत्पन्न करता है। ये जो कोयला होता है जलने के दौरान धुआं एवं राख अधिक उत्पन्न करता है। तो आपको समझ में आ गया कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट इट और पीट। तो ये याद रखना है जो भी इनसे मैंने आपको इनकी विशेषताएं बताया। देखिए एंथ्रेसाइट कोयले का निक्षेप जम्मू कश्मीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में बहुत है, लेकिन भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस एवं लिंगनाइट प्रकार का है। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस, याद रखना है, बिटुमिनस सर्वाधिक भारत में पाया जाता है, वाणिज्य उद्योगों में इसका उपयोग होता है और लिंगनाइट प्रकार का है। तो भारत में दो है अधिकांश, बिटुमिनस और लिंगनाइट। मध्य प्रदेश में कोयले का विस्तार राज्य के, जो मध्य प्रदेश है उसमें मैप में देखना आप, राज्य के पूर्वी एवं दक्षिणी भागों में पाया जाता है। जो पूर्वी भाग है सीधी सिंगरौली वाला उधर साइड पाया जाता है बघेलखंड के पठार की तरफ, और दक्षिणी भागों में पाया जाता है। पूर्वी कोयला क्षेत्र राज्य में सिंगरौली, सीधी, शहडोल आदि जिलों को कोयले का विस्तार है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र उमरिया कोयला क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 15.5 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे छोटा कौन सा है? उमरिया। अब सबसे बड़ा वाला एग्जाम में आता है जो मैं आपको बताऊंगा। सिंगरौली मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जिसका क्षेत्रफल 2,337 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया पाली बीर सिंहपुर के निकट, उमरिया के पास एक बीर सिंहपुर नाम की जगह है, तो उमरिया पाली बीर सिंहपुर के निकट जोहिला नदी बहती है, तो जोहिला नदी घाटी में कोरार कोयला क्षेत्र, ये नाम है कहाँ पे, कोरार कोयला क्षेत्र उमरिया के पास स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 39 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जाता है ये शहडोल जिले में सोहागपुर कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जाएगा तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र, याद आ गया, समझ में आ गया आपको, याद रह जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर कोयला क्षेत्र और सबसे छोटा है उमरिया, जो अभी बात किए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए, ये तो हमने कोयला क्षेत्र देखे, अब दक्षिणी कोयला क्षेत्र देख लेते हैं। दो जगह पाए जाते हैं, पढ़े थे हमने, एक तो पूर्वी मध्य प्रदेश में और दक्षिणी। तो देखिए दक्षिण में एक है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, ये नाम है शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, यह सतपुरा श्रेणी का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। जो सतपुरा श्रेणी है उसका सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जो तवा नदी घाटी के किनारे बैतूल तथा होशंगाबाद जिले के मध्य स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदानें पाथरकेड़ा कोयले खदान है, दुलहरा कोयले खदान, मदनीपुर और तनसी आदि, ये सब कोयले की खदान है, तो इनका नाम याद रखना है। इस क्षेत्र में प्रमुख कोयला क्षेत्र है पाथरकेड़ा, दुलहरा, मदानी और तनदास आदि।
पेंच कोयला क्षेत्र, तो जो पेंच है पेंच कोयला क्षेत्र, पेंच कोयला क्षेत्र कान्हन नदी के अंतर्गत स्थित है। कान्हन नदी बहती है दक्षिण तरफ, याद रखना। तो कान्हन नदी पेंच कान्हन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। यह होशंगाबाद के चटमेठा के निकट परासिया तथा पेंच तक विस्तृत है। तो ये जो है होशंगाबाद में चटमेठा के निकट परासिया तथा पेंच तक विस्तृत है। तो पेंच कोयला क्षेत्र समझ में आया। अब कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र ये भी है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेड़ा, जिन्नौर, दातला, जमाई और घोरावादी के कोयला प्राप्त होते हैं। तो ये कान्हन घाटी क्षेत्र भी है दक्षिणी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत। मोहपानी कोयला क्षेत्र, यहाँ से साधारण प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। ये भी दक्षिणी क्षेत्र है एक प्रकार का, मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र। ये देखिए कुछ फैक्ट लिख रखे हैं, इसको देखते हैं। देखिए भारत में कोयले की मात्रा, भारत में कोयले की कुल 476 खदानें अवस्थित है, जिसमें से झारखंड में 132 खदानें, पश्चिम बंगाल में 76 खदानें, मध्य प्रदेश में 67 खदानें और महाराष्ट्र में 57 खदानें स्थित है। तो ये खदानें तो आता नहीं पेपर में, लेकिन याद रखना है। इस्पात उद्योग में कोकिंग कोयले की मांग अधिक है, इसके कारण इसे गैर कोकिंग कोयले की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोयला खदानों के निकट कोयले धुवन शालाएँ लगाई गई है, जिसके मध्यम श्रेणी में कोकिंग कोयला तैयार किया जाता है। तो ये समझ में आया आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन डिस्कस किए। जितने भी खनिज संसाधन थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनकी कोई विशेषता है तो पूछी जाएगी, नहीं तो किस जिले में पाया जाता है, तो आपको मैप के अनुसार और सब याद रखना है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, हमने खनिज संसाधन डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मदद मिल सके। धन्यवाद।